वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से नाराजगी जताते हुए जो बोला, वो कान खोलकर सुन लीजिए। अरे बाप रे, चलो देखते हैं क्या बोला। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर और ट्विटर में हमें फॉलो करिए। जब भी हमारे नए वीडियोस आते हैं नोटिफिकेशन ट्विटर में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर की अस्थिर सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई है। जनरल नरवणे ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि युद्ध दो सेनाओं के बीच नहीं लड़े जाते बल्कि दो देशों के बीच लड़े जाते हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब भारतीय सेना ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में गोगुरा टकराव बिंदु पर भारत और चीन की सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। साथ ही साथ जमीनी स्थिति को गतिरोध पूर्व अवधि के समान बहाल कर दिया गया है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के टेलीविजन विंग की स्वर्ण जयंती के उद्घाटन समारोह में जनरल नरवणे ने बुनियादी मूल्यों को मजबूत करने, देश की विविध संस्कृति को संरक्षित करने और संकट के समय में इसे प्रेरित करने में मुख्यधारा के सिनेमा की भूमिका की सराहना की। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य बलों के अधिकारियों को एक धर्रे पर दिखाने से बचना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा कि हल्के फुल्के अंदाज में कहना चाहूंगा, मैंने हमेशा पाया है कि फिल्मों में भारतीय अधिकारियों को धरागत तरीके से ही दिखाया जाता है। किसी खूबसूरत नायिका का पिता कोई खड़ूस कर्नल होता है जो सिल्क का गाउन पहनता है और एक हाथ में विस्की की बोतल होती है और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। ये वाकई में मुझे परेशान करता है। सृजनात्मक आजादी का मैं सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि घिसे पिटे तरीके से किसी समुदाय और चरित्र को दिखाने से परहेज करना चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा कि देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान पश्चिम और उत्तर दोनों सीमाओं पर यानी कि पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर अस्थिरता बढ़ गई है। हालांकि इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय सेना और मजबूत हुई है। And I would like to take this opportunity to gratefully acknowledge the role of the entertainment industry in making this possible. On a lighter note, I have always found the stereotyping of the Indian officer in films both amusing and intriguing. The beautiful heroine's father is always a khadus colonel wearing a silk dressing gown with a whiskey in one hand and a shotgun in the other. Really intrigues me. While creative license is understood, I believe that stereotyping of communities and characters is best avoided lest we start believing in it. While all this is perhaps well known, I must also acknowledge the FTI's own efforts in recent years to reach out to the youth of the Union Territory of J&K. Your workshops on screenwriting, acting and filmmaking were received with great enthusiasm in the Valley. The personal initiative of the director, Mr. Bhupender Kanthora, was the key to this successful initiative. The pandemic has perhaps severed this link. So friends, video अच्छा था क्योंकि उन्होंने ये बोला on a lighter note. अब वो ही वॉज बींग नाइस, पर जो बात वो करना चाहते थे वो उन्होंने ऐसे की कि बुरा ना लगे, पर वो वार्निंग बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। तो काफी मुझे अजीब लगा, जो बैठे हुए थे वो हंस रहे थे, समझ नहीं आई कि वो आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं ताकि आपको बुरा ना लगे, पर वो बात जो कर रहे हैं वो आपकी आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको बंद करो। तो वो मुझे, मैं काफी हैरान थी, वो ऐसे हंस रहे जैसे वो मजाक कर रहे हैं। आप आर्मी में जो भी, वो बात भी उनकी बिल्कुल ठीक थी कि आप जब भी दिखाते हो कि सुंदर सी कोई लड़की है और उसका फादर जो है वो आर्मी के कर्नल हुआ करते थे
और वो जब भी आप दिखाओगे वो कह रहे हैं वो सिल्क का गाउन पहना होगा, खड़ूस होते हैं, सिल्क का गाउन पहना होगा, एक हाथ में विस्की होगी, एक हाथ में गन होगी, बस भैया गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो जब मैं बोल रहे थे ना, मेरे दिमाग में आ भी रहा था, कभी मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, उस टाइप से सोचा ही नहीं हम लोगों ने, पर अब जब वो बोले तो मुझे रियलाइज हुआ वैसे वाकई बात तो ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी मूछें बना देंगे, वो करेंगे और ऐसे दिखाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि, और उन्होंने उसके बाद सीरियस नोट में ये बोला भी कि दिस टाइप ऑफ स्टीरियोटाइपिंग शुड स्टॉप नाउ। तो फिर भी वो हंस रहे थे, मैंने कहा ये अजीब है कि हंस रहे हैं, ये तो बहुत सीरियस बात है जो उन्होंने कोशिश किया कि इस फंक्शन में आपको बताने का, अवेयर करने का इन अ गुड वे, नहीं तो आपको लगेगा कि बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं, पर आप उनकी बात पे हंस रहे हो जैसे वो मजाक कर रहे हैं, तो वो काफी मुझे अजीब लगा था। पर अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पे आके ये बात की, उन्होंने ये दिखाया कि यस ये गलत है, और साथ में बताया इम्पोर्टेंस कि क्या सिचुएशन है और कैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं वहां पे हैं और कैसे फाइट कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, और आप अलर्ट रहो, आपको उसको रियलाइज करो कि अपनी सोल्जर की इम्पोर्टेंस, और ऐसी मूवियों में इस टाइप से नहीं दिखाओ। तो वो काफी अच्छा लगा मुझको कि उन्होंने ये बात करके उनको अवेयर कराया। अब ये इनको देखो ना कि भैया ये समझते हैं कि नहीं, इनको समझ आई कि नहीं, तो काफी अच्छा था, वेरी नाइस। राइट, अब इसमें यही पॉइंट था कि अगर आप मूवीज में बार बार वही चीज को दिखाएंगे तभी वो कह रहे हैं स्टीरियोटाइप हो जाएगी, बार बार वही चीज दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा यही सत्य है, ऐसे ही होते हैं, और ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होते। अब ऐसा देख के कौन इंसान चाहेगा कि वो आर्मी में जाए, तो वही बता रहे हैं कि अगर आप यही प्रोपेगेंडा करेंगे, बॉलीवुड करता क्यों ऐसा किसी को पता नहीं है कि आपको कोई बोलता है ऐसा दिखाने के लिए, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप पॉजिटिव क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में, उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं की, मतलब, कभी स्मोक नहीं किया, तो मतलब पॉइंट ये है आप पॉजिटिव दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि वो जो भी लिखा रहे हैं लड़की वो किसी से फैमिली आ रही है, वहां पर डिसिप्लिन है, ये वो है, बहुत अच्छा तरीके से घर है, ये वो भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव क्यों दिखाते हैं, कितना अच्छी फैमिली है क्योंकि फादर जो डिसिप्लिन है आर्मी से थे, तो नेगेटिव क्यों दिखाते हैं बार बार। तो मेरे ख्याल से उनका यही पॉइंट था, ठीक नहीं है ये नेगेटिव, और जो लोग हंस रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं, वो लाइटर नोट में ऐसे ही बोला था शांति रखने के लिए, मगर उसमें हंसने का बात बहुत की थी कि आपने जो है बिल्कुल भी, मतलब जो स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि आप ऐसा ही दिखाते हैं उसे, लोगों को लग जाता है कि यही है और नहीं होना चाहिए, विच इज राइट। आप ये और ये कौन स्क्रिप्ट बनाता है बॉलीवुड में, वही तो मतलब कौन अनपढ़ आदमी बना रहा है जिसको कुछ पता नहीं लाइफ के बारे में, मतलब स्क्रिप्ट वो बनानी चाहिए जो समझदार इंसान हो, जिसे अपने देश के बारे में पता हो, जिसको पता हो कि मोटिवेट करना है लोगों को, सच्चाई दिखानी है जिससे बच्चे मोटिवेट हो, राइट। या तो अनपढ़ किसी को लिखा दिया जो ऐसे उल्टी फुल्टी न्यूज बना रहा है, और आपने तभी उन्होंने बताया क्रिएटिविटी समझ सकते हैं कि क्रिएटिविटी, मगर नेगेटिव क्रिएटिविटी हमेशा क्यों आती है, आपको क्रिएटिव अपना एक्सप्रेशन करने करिए एक्सप्रेस, मगर नेगेटिव क्यों, आप पॉजिटिव करिए, आप आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को पॉजिटिव तरीके से क्रिएट करके दिखाइए, उससे फायदा किसका होगा, कि आपको लगता है कि दुनिया भर में लोगों को फायदा होगा, नहीं। तो मेरे ख्याल से ये तो लोगों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, जब ऐसी कोई मूवी आती है तो उनको लिखना चाहिए कि बोगस है, जिससे उसे पता लगे दोबारा ना करें, अपने राइटर को बोलें कि आप ठीक तरह से लिखो, लोगों को मोटिवेट करना है कि नीचे लेके जाना है, वो भी डिफेंस सर्विस के, डिफेंस अगर डिफेंस ही नहीं होगा तो कंट्री नहीं होगी, ये तो किसी को भी छोटे से, मतलब जिस बंदे को ज्यादा नॉलेज है उसको भी पता है कि अगर एक बार तुम हार गए तो कंट्री ही नहीं है तुम्हारी, इतने सदियों से 1000 साल से किसी के अंडर रहने के बाद भी अगर पता नहीं चला तो कब पता चलेगा। काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।